चलिए बेटा बेटा गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है बेटा सब बच्चों के? ठीक है सर, चलिए वेरी गुड। सो हाँ हाँ बेटा, मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। तो आज नया टॉपिक शुरू करेंगे, बड़ा जनरल सा टॉपिक है। टॉपिक है बेटा हमारे पास टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। इट्स अ जनरल टॉपिक। कोई भी अकाउंट्स के बच्चे की अगर बात करें तो यहां पर इस टॉपिक की समझ होनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये लो बेटा, तो स्टार्टिंग विद द टॉपिक टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। सर ये कौन से अकाउंट्स की बात कर रहे हैं? बेटा जो लेजर में हम वेरियस अकाउंट्स तैयार करते हैं, राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, वंस द जनरल एंट्री इज पास्ड, एक बार जनरल एंट्री पास हो गई तो देखना बेटा, वंस द जनरल एंट्री इज पास्ड, मान लेते हैं सॉरी जनरल एंट्री थी हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट टू राम, राम ने 5000 रुपए दिए मेरे पास 5000 रुपए राम से आए, तो बेटा इसकी अब पोस्टिंग करोगे। ये पहला स्टेप होता है जनरल एंट्री। बेटा दूसरा स्टेप होता है पोस्टिंग। कहां पर पोस्टिंग करते हैं? लेजर में। लेजर क्या है बेटा? लेजर इज अ बुक दैट कंटेन्स वेरियस अकाउंट्स। तो यहां पर पोस्टिंग हो जाएगी टू राम 5000 और राम के अकाउंट में बाय कैश 5000। दिस इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। आई होप इतनी बात तो ठीक है। एक एंट्री पास कर ली हमने, उस एंट्री की डबल पोस्टिंग भी कर डाली। दिस इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। और जहां ये पोस्टिंग होती है, दीज आर कॉल्ड अकाउंट्स। बेटा क्या कहते हैं इन्हें? अकाउंट्स। अब ये जो अकाउंट हैं, ये भी बेटा कई प्रकार के हो सकते हैं। तो वही हमारी आज की चर्चा है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। एग्जाम में एट टाइम्स पूछ लेता है कि बताओ भाई राम का अकाउंट कौन सा प्रकार का अकाउंट है, बैंक का अकाउंट कौन से प्रकार का अकाउंट है, बीआर अकाउंट कौन से प्रकार का अकाउंट है, रेंट अकाउंट कौन से प्रकार का अकाउंट है, एंड सो ऑन। एक नंबर में, दो नंबर में इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लेट्स हैव अ क्विक आइडिया अबाउट द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है सर, शुरू करिए। लो बेटा, अगर हम शुरू कर दें यहां पर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की चर्चा, तो देखना यहां पर अगर हम बात करें इन्हीं अकाउंट्स की, हम कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। तो बेटा लेट्स बिगिन विद द कैटेगराइजेशन। तो यहां पर जितने भी अकाउंट्स हम बनाते हैं लेजर में, दे कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर टू हेड्स। बेटा या तो होंगे पर्सनल अकाउंट्स या होंगे, बेटा बोलो ना, इम्पर्सनल अकाउंट। सर ये पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या और इम्पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या? द अकाउंट विच रिलेट्स टू सम पर्सन। सर ये पर्सन क्या होता है? राम, श्याम, घनश्याम, दीज ऑल आर पर्सन्स। तो अकाउंट्स रिलेटेड टू पर्सन्स आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। और जो पर्सनल नहीं होगा वो सारे खुद ब खुद क्या बन जाएंगे? जल्दी बोलो, वो सारे बन जाएंगे इम्पर्सनल अकाउंट्स।
वो सारे बन जाएंगे बेटा इम्पर्सनल अकाउंट। अब ये इम्पर्सनल अकाउंट भी दो प्रकार के, इट कैन बी अ रियल अकाउंट और इट कैन बी अ नॉमिनल अकाउंट। बेटा रियल अकाउंट भी हो सकता है या नॉमिनल अकाउंट भी हो सकता है। भाई ये बात तो तय है कि ये पर्संस के अकाउंट नहीं है, ये पर्संस के अकाउंट नहीं है, तो दीज आर कॉल्ड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्संस के तो नहीं है, तो सर कौन से हैं बेटा? या तो होंगे रियल अकाउंट या होंगे नॉमिनल अकाउंट। सर सर ये रियल अकाउंट किसे कहेंगे, नॉमिनल अकाउंट किसे कहेंगे? आओ बेटा देखते हैं। अकाउंट्स रिलेटेड टू एसेट्स, बेटा जो अकाउंट एसेट्स के हो, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, गुडविल अकाउंट, पेटेंट्स अकाउंट, कॉपीराइट्स अकाउंट, जितनी भी एसेट हैं, मोटर व्हीकल्स, ये सारे के सारे क्या हो गए मेरे? रियल अकाउंट। कौन से बेटा? एसेट्स रिलेटेड टू, एसेट्स रिलेटेड टू सर्टेन एसेट्स आर कॉल्ड रियल अकाउंट। तो बेटा इन्हें तो कह देंगे रियल अकाउंट, क्या कहेंगे? रियल अकाउंट। और एसेट्स रिलेटेड टू सॉरी अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस और इनकम, आपके जितने भी खर्चे या इनकम होते हैं, जैसे रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, रेंट रिसीव्ड, रेंट पेड, डेप्रिसिएशन, स्टेशनरी, ये जितने भी खर्चे हैं या जितने भी इनकम हैं, इन सबको बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट। एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा रेंट रिसीव्ड इज अ, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट या नन ऑफ द अबव। बोलो बेटा क्या करोगे? यस इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। सो दीज आर द कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। अभी डिटेलिंग बाकी है इसकी, अभी डिटेलिंग बाकी है। तो मैंने क्या कहा अभी? अभी बेटा पर्सनल पर बाद में लौट कर आएंगे, पहले मैं इम्पर्सनल अकाउंट की बात कर रहा हूं। तो इम्पर्सनल अकाउंट दो प्रकार के, रियल और नॉमिनल। नॉमिनल कौन से हुए? अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंस और इनकम। जैसे एग्जाम्पल देखना बेटा, कौन सा बताया? रेंट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट बेटा, इंटरेस्ट अकाउंट, उसके अलावा और अगर बात करें बेटा, खर्चे बता दो ना, खर्चे पूछ रहा हूं, ये लो बेटा सैलरी अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट एंड सो ऑन। सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स। बेटा ये थे नॉमिनल अकाउंट्स, एक्सपेंसेस या इनकम अकाउंट। इन शॉर्ट एक राज की बात बताता हूं मैं आपको, जितने भी अकाउंट ट्रेडिंग पीएनएल में आते हैं, वो लगभग सारे कौन से? नॉमिनल अकाउंट। बेटा सारे कौन से होते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स। द बैलेंस, द टोटल ऑफ द नॉमिनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग पीएनएल। चलो बेटा आओ, कमिंग बैक टू रियल अकाउंट। अब ये रियल अकाउंट की बात करें,
एसेट्स का अकाउंट बेटा दो प्रकार के हो सकते हैं, नाम से ही समझ में आ जाएगा आपको, टेंजिबल रियल अकाउंट, या तो होगा टेंजिबल रियल अकाउंट या इनटेंजिबल रियल अकाउंट। भाई एक बात तो तय है, एसेट्स के अकाउंट को रियल अकाउंट कहते हैं। अब इसकी भी फर्दर डिटेलिंग कर सकते हो आप, इट कैन आइदर बी टेंजिबल रियल या इनटेंजिबल रियल। बेटा ये टेंजिबल क्या होता है, टेंजिबल विच कैन बी सीन और विच कैन बी टच्ड, देख सकते हो, छू सकते हो। इनटेंजिबल क्या हो गया, जल्दी बोलो बेटा, विच कैनॉट बी सीन और विच कैनॉट बी टच्ड, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो सिर्फ महसूस कर सकते हो। जैसे सर, जैसे मोहब्बत नलायक, वैसे एग्जाम्पल ठीक है, लेकिन 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 यहां पर इनटेंजिबल एसेट, वो एसेट, वो एसेट जिनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो, एंड यस एंड यस एंड यस कैन बी परचेज्ड एंड सोल्ड इन द मार्केट। अभी बात करूंगा इस वर्ड की, आओ जरा, टेंजिबल रियल एसेट जैसे, बेटा बताना, जैसे लैंड बिल्डिंग अकाउंट, जैसे प्लांट मशीनरी अकाउंट, जैसे फर्नीचर फिक्स्चर्स अकाउंट, जैसे मोटर व्हीकल्स अकाउंट एंड सो ऑन। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ टेंजिबल रियल अकाउंट। बेटा ये सारे वो हैं, सारे के सारे एसेट हैं, और सारी ही एसेट ऐसी हैं जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो। सो दीज आर कॉल्ड टेंजिबल रियल अकाउंट। क्या कहा मैंने, टेंजिबल रियल अकाउंट। अब कई बार एग्जाम में होगा, बोलेगा लैंड बिल्डिंग इज अ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, None of the above। सर अब क्या टिक करें इसमें, सर वहां टेंजिबल रियल तो है ही नहीं। बेटा टेंजिबल रियल, रियल का ही तो एक प्रकार है, तो आप रियल अकाउंट टिक कर सकते हो। ये तो मैंने रियल अकाउंट की ही और ज्यादा डिटेलिंग करके आपको बताई, वैसे यहां तक कम ही लेकर जाएगा, लेकिन स्टिल। एंड वॉट इज इनटेंजिबल, which cannot be seen, goodwill, patents, softwares, copyrights, या चलो patents में ही आ गया, software, goodwill, patents, software, formula, etc. So these are the example of tangible real account. बेटा ये वो हैं जिनको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, which can only be सिर्फ महसूस कर सकते हो। गुडविल, यस इट्स अ इंपॉर्टेंट एसेट, पेटेंट, सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट्स, वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर्स, या फॉर्मूला, किसी भी चीज को बनाने का फॉर्मूला, दैट इज एन इंटेंजिबल एसेट। एक बात बताओ, देख नहीं सकते, क्या इनकी खरीद बेच हो सकती है? हां हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है जी, दिस कैन बी परचेज्ड एंड सोल्ड इन द मार्केट। बेटा गुडविल के करोड़ों रुपए में बिकती है और खरीदी जाती है। फॉर्मूला, कोई सॉफ्टवेयर हुआ या फॉर्मूला, आप जैन शिकंजी पर चले जाओ मोदीनगर में, बोला भाई शिकंजी कैसे बनाते हो, वो मसाला कैसे बनाते हो उसका, दैट इज अ फॉर्मूला। अगर आप फॉर्मूला खरीदना चाहो तो पहली बात तो शायद वो बेचने को तैयार ना हो, ना बताऊंगा, और अगर बताने को राजी भी हुआ तो आपसे सिर्फ उस फॉर्मूला के, उस टेक्निक के, वो अच्छे खासे पैसे मांग लेगा।
So, yes, this is an asset which can be purchased and sold. But agar koi aisi asset ho, jise khareed bech nahi sakte, jaise miscellaneous expenditures hote hain, balance sheet mein pade honge, discount on issue of shares, profit and loss ka debit balance, ye hote asset side par hain, but cannot be purchased and sold in the market. Kahin bazaar mein likha dekha hai ki bhai hamare yahan bhinn bhinn prakar ke ghate beche jate hain. Bolo beta, kahin dekha hai likha hua? Nahi sir, nahi dekha. To bas wo intangible asset nahi hai, those are called fictitious asset. Kya kehte hain unhe? Fictitious asset, farji asset, false asset. Balance sheet mein asset side par pade zarur hain, but unki koi khareed bech nahi hoti. Koi khareedar na hoga, koi bechne wala na hoga. Cannot be purchased and sold in the market. But I hope yahan tak ki baat theek hai. Haan sir. Now coming on to personal account. Ek baat to tay hai. Ek baat to tay hai ki these personal accounts are the accounts which relates to persons. Jaise, lo beta, jaise hum baat kare agar yahan par personal account ki, ab ye personal account bhi kai prakar ke, it can be a, lo beta, natural personal account. Natural personal account. Beta, natural personal account. Kya matlab hua iska? The account related to natural person. The persons which are not created by law. Sir, kuch samajh nahi aa raha. Sir, kya keh rahe ho aap? बेटा कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं लो, पहले एग्जाम्पल बेटा राम का अकाउंट, बेटा श्याम का अकाउंट, देख रहे हो ना बेटा, दीज आर घनश्याम अकाउंट एटसेट्रा, दीज आर नेचुरल पर्संस. ये नेचुरल पर्सन थे राम श्याम घनश्याम, सो दीज आर कॉल्ड नेचुरल पर्सनल अकाउंट. लौट के आता हूं दोबारा से, जरा देखो आगे पहले. और एक होगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. कुछ पर्सन ऐसे होंगे, पर्सन मतलब सिर्फ व्यक्ति नहीं होता, पर्सन का मतलब है कोई एक व्यक्तित्व, कोई एक एंटिटी जिसका अपना अलग अस्तित्व हो. जैसे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, यानी ये वो पर्सन्स हैं विच आर क्रिएटेड बाय लॉ, किसी एक्ट में, किसी रूल में, किसी लॉ के तहत उनको क्रिएट किया गया, वो अपने आप से जन्म ना ले लिया उन्होंने. दीज आर समथिंग विच इज क्रिएटेड बाय गॉड. यहां पर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखना, राम लिमिटेड बेटा कंपनी है, दिस कंपनी इज क्रिएटेड अंडर द कंपनीज एक्ट. समझ में आया कि नहीं आया? क्रिएटेड अंडर द कंपनीज एक्ट. आर्टिफिशियल पर्सन है, एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसा अस्तित्व है जिसको मैंने क्रिएट किया है किसी लॉ के तहत, आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया. और देखना श्याम एंटरप्राइजेस, कोई पार्टनरशिप फर्म है शायद, या घनश्याम एंड सन्स, कोई और प्रोप्राइटरशिप फर्म है शायद. सो दीज ऑल आर नेचुरल पर्सन्स नहीं है, ये खुद से जन्म लेके ना आए, ये पार्टनरशिप फर्म तो आपने पार्टनरशिप एक्ट में जाकर क्रिएट की. प्रोप्राइटरशिप फर्म अलग से एक एंटिटी है,
कंपनी, आपने कंपनीज एक्ट में जाकर अर्जीदार की, तब जाकर क्रिएट हुई। ये सारे वो हैं विच आर क्रिएटेड अंडर सर्टेन लॉ। तो इन्हें क्या कह देंगे बेटा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्या कहेंगे जल्दी बोलो? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो दो तरीके के पर्सन्स पढ़ लिए, या तो नेचुरल पर्सन्स विच आर क्रिएटेड बाय गॉड, ऐसा मानो जो खुद जन्म लेकर आए हैं, या नेचुरल पर्सन्स के बाद आर्टिफिशियल पर्सन्स विच आर क्रिएटेड अंडर सर्टेन लॉ, या होगा एक आखिरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट यानी ये कुछ ऐसे पर्सन्स के अकाउंट हैं, कुछ ऐसे अकाउंट जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप उसकी हिंदी करो तो किसी पर्सन को वो रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो बेटा, मैंने कहा आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। लो बेटा जरा समझना, ये देखो बैलेंस शीट में लिखा हुआ है मैंने लायबिलिटी साइड पर आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000। जरा इसकी हिंदी करके बताओ क्या मतलब है। इसका मतलब यही तो हुआ कि एक एम्प्लॉई के, एक एम्प्लॉई था कालू, उस कालू के मुझे 1000 रुपए देने बनते हैं। यानी ये अकाउंट एक पर्सन को, पर्सन कौन? कालू, उस कालू को रिप्रेजेंट कर रहा है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये ऐसे ही तो हुआ, ये लो कि भाई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर कालू लिखा हुआ है, कालू को 1000 देने, यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। एक्चुअली में देखने में लगता है खर्चा वर्चा, खर्चा नहीं है ये, खर्चा होता तो कहां पड़ा होता? पीएनएल में पड़ा होता, बैलेंस शीट में पड़ा है, बैलेंस शीट में पड़ा है तो नॉमिनल खर्चा तो नहीं है। यानी ये एक अकाउंट पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट यहां पड़ा हुआ है, प्रीपेड इंश्योरेंस 500 रुपए, मैंने 500 फालतू दे दिए। किसे दे रखे हैं 500 फालतू? इंश्योरेंस कंपनी को। और इंश्योरेंस कंपनी क्या है? पर्सन है। तो दिस इज क्लियरली एन अकाउंट विच रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मैंने यहां लिखा हुआ है कैपिटल 1,00,000। जरा बताओ इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब है मालिकों के 1,00,000 रुपए लगे हुए हैं, बिजनेस को 1,00,000 रुपए मालिकों के लौटाने हैं। देखा बेटा, ये अकाउंट मालिकों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मालिक कौन है, कौन है, कौन है? मालिक है पर्सन्स, पर्सन्स। तो बेटा कौन सा अकाउंट हो गया जल्दी बताओ, बोलो बेटा बोलो, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। वो अलग बात है, यहां तक आपको लेकर नहीं जाएगा, वो सिर्फ पूछेगा पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। स्टिल मैं और जितनी उसकी कैटेगराइजेशन मैक्सिमम कर सकता था वो मैंने आपके साथ कर दी है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर तो नहीं कहूंगा, इट्स अ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके अलावा भी वेरियस जगह पर ये टर्मिनोलॉजी, क्योंकि हम बार बार यूज करेंगे तो इसलिए मुझे पता होनी चाहिए। बोलो बेटा, ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। कुल मिलाकर सेवा क्विक रिवीजन, हमारे पास जितने भी अकाउंट्स बनते हैं लेजर में, उन सारे खातों को दो प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं।
either it can be a personal account or it can be a impersonal account. Impersonal माने वो जो persons के नहीं है. अब person के नहीं तो किसके हैं? या तो asset के होंगे या खर्चों income के होंगे. खर्चे income के हैं तो nominal account और asset के हैं तो real account. Asset भी दो प्रकार की. बोलो बेटा कौन सी? या तो real asset, sorry, या तो tangible asset या intangible asset. तो या तो हो जाएगा tangible real account या intangible. सर ये intangible कौन से होते हैं? जिसको हम देख नहीं सकते. tangible कौन से? जिन्हें हम देख सकते हैं. और similarly एक होगा हमारे पास categorization persons account, जो persons के account हैं. अब person भी भिन्न भिन्न प्रकार के. एक natural person जो आपने क्रिएट नहीं किया इज कॉल्ड, दोज अकाउंट्स आर कॉल्ड नेचुरल पर्सनल अकाउंट. लेकिन कुछ एंटिटीज, कुछ पर्संस, कुछ ऐसे हैं विच यू हैव क्रिएटेड. अपने आप जन्म ना लिया उन्होंने. जैसे जैसे राम एंटरप्राइजेस, श्याम एंड सन्स इज अ पार्टनरशिप फर्म. क्या अपने आप बन गई? ना बेटा ना. आपने क्रिएट किया. आपने पार्टनरशिप एक्ट में जाकर, पार्टनरशिप एक्ट में जाकर उन्हें क्रिएट किया अंडर द पार्टनरशिप एक्ट. अंडर द पार्टनरशिप एक्ट तो दैट इज अ पार्टनरशिप फर्म. सिमिलरली कोई कंपनी है घनश्याम लिमिटेड, दैट इज अ कंपनी विच इज क्रिएटेड अंडर द कंपनीज एक्ट. उसका जन्म आपने आर्टिफिशियली किसी एक्ट में किया जाकर, तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. एंड लास्ट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल. मैंने चर्चा कर ली जो किन्हीं पर्सन्स को रिप्रेजेंट करे, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. आई होप बेटा बात क्लियर हो गई होगी. इसके साथ ही हमारी छोटी सी चर्चा थी जो ये फिनिश हो गई. आई होप बात दिमाग में अच्छे से सेटल हो गई होगी. और एग्जाम के लिए भी, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी दिस इज वेरी मच रेलिवेंट, आपके काम आएगी. और अपार्ट फ्रॉम एग्जाम ऑल्सो भी ये इंफॉर्मेशन ऐसी है जो एज अ अकाउंट, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए. चलिए इसकी चर्चा यहां पर समाप्त कर रहे हैं. जो बच्चे नोट करना चाहें वो नोट कर सकते हैं इसको. ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू, बाय बाय. ध्यान रखिएगा बेटा अपना. टेक केयर. थैंक यू, बाय बाय.